देखो कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई प्लेऑफ में पहुंच गए हैं। क्या बात है बउआ भाई, मुबारक हो। मुबारक छोड़ो भाई साहब, मुंबई, राजस्थान, पंजाब और हैदराबाद भी प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। कैसे? एक मिनट, वो कैसे? वो ऐसे कि अगर योगी जी दुबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर प्लेऑफ रखवा दें तो। नमस्ते जी, बउआ बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं रणतंत्र, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं हूँ रौनक, T20 लीग स्पेशल रणतंत्र में आपका स्वागत है। दो स्पेशल बातें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि आप डेली 5,000 रुपए कैश जीत सकते हो। कैसे? इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और हमको इंस्टा पे फॉलो करना होगा, आगे बताऊंगा कैसे। और दूसरी स्पेशल चीज ये कि 13 साल के इतिहास में पहली बार एक ही वक्त पर एक ही साथ दो अलग अलग मैच खेले गए। एक तरफ अबू धाबी में मुंबई हैदराबाद के साथ आमने सामने थी, तो दूसरी तरफ दुबई के स्टेडियम में विराट कोहली अपनी टीम बेंगलुरु के साथ अपने ही होम टाउन दिल्ली के खिलाफ खेल रहे थे। हमें लगा था एक साथ एक ही टाइम पर दो दो मैच है, क्या देखें क्या ना देखें, लेकिन पहले 2-3 ओवर में ही इसका फैसला हो गया। टॉस जीत कर बैटिंग करते हुए मुंबई के ईशान किशन ने ऐसी बैटिंग करी कि लगा ईशान वाकई शानदार है। मुंबई को इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हैदराबाद के ऊपर 171 या उससे ज्यादा रन की जीत चाहिए थी। भैया इतने रन की जीत तो वनडे में नहीं मिलती, तो T20 की तो भैया दूर की बात है, लेकिन मुंबई का इंटेंशन देखकर मजा आ गया। पावर प्ले में बैटिंग करते हुए मुंबई ने सिर्फ 36 में 83 बना दिए थे। ईशान किशन की परफॉर्मेंस सुनील शेट्टी की गोपी किशन से भी ज्यादा बेहतरीन थी। किशन ने सिर्फ 32 गेंदों में 84 रन बना दिए थे भाई साहब। दूसरे मैच में दिल्ली ने भी पावर प्ले में बढ़िया शुरुआत करी, 6 ओवर में 55 बनाए, लेकिन ये सब मुंबई के इनिंग के सामने वैसे ही लग रहा था जैसे बुर्ज खलीफा के सामने सामुदायिक शौचालय। दिल्ली के ओपनर्स पृथ्वी जी और शिखर जी ने 48 और 43 बनाए, लेकिन इसके बाद दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। 20 ओवर में सिर्फ 164 ही बना पाई दिल्ली। मोहम्मद सिराज जिन्होंने 2 विकेट लिए और इतने कम रन दिए जैसे आजकल कंपनी वाले बोनस काटने के बाद हमारी सैलरी देते हैं। इसके उलट दूसरे मैच में मुंबई का जो भी बल्लेबाज आया उसने हैदराबाद के बॉलर्स को राजपाल यादव की तरह मंदिर का घंटा समझ के बजा दिया। लेकिन ईशान किशन के बाद जिनकी बात होनी चाहिए वो है अपने सूर्य कुमार यादव। अपने शॉट्स की वैरायटी दिखाकर स्काई भैया ने यह साबित किया कि स्काई की कोई सीमा नहीं होती। सूर्य कुमार यादव ने 40 गेंदों में 82 रन की शानदार पारी खेली, 3 लंबे छक्के भी उसमें शामिल थे। मुंबई को कोलकाता को पीछे करने के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ एफर्ट चाहिए था और ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव ने मुंबई को उनका इस लीग का हाईएस्ट स्कोर बनाकर दे दिया। 20 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 235 9 विकेट के नुकसान पर था। मतलब जिसने भी ईशान किशन और स्काई भैया को अपनी माई 11 सर्कल ऐप टीम में लिया होगा उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी भाई साहब। आप भी डेली कैश जीत सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करो अपने फोन में माई 11 सर्कल ऐप। और एक बार स्पेशल चीज बता दूं आपको, हर मैच से पहले अगर आपने ये गेस कर लिया कि किस प्लेयर को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे माई 11 सर्कल ऐप पे, उसके लिए आपको ऐप तो डाउनलोड करनी पड़ेगी और गेस करने के लिए आपको हमारे इंस्टा पर जाकर DM करना पड़ेगा और इंस्टा पे हमको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो आप में से एक लकी विनर को डेली 5,000 जीतने का मौका मिलेगा। जी हाँ, 5,000 रुपए, ये आप डेली गेस करके जीत सकते हो। आगे डिटेल में बात करेंगे। Well, 236 का टारगेट देने के बाद मुंबई को अगर कोलकाता से चौथी पोजीशन चाहिए थी तो उनको हैदराबाद को 66 पर ऑल आउट करना था। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता याद आ जाती है। कविता का नाम है कृष्ण की चेतावनी। कविता के बीच के 4 लाइनें आपको सुना रहा हूं कि दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। कहने का मतलब है कि मुंबई ने रिकॉर्ड टारगेट भले ही सेट किया हो जो कि हैदराबाद की पहुंच से दूर था भी, लेकिन कोलकाता वालों को सिर्फ ये मतलब था कि हैदराबाद किसी तरह 66 बना ले। हैदराबाद को ऐसा करने में 6 ओवर लगे, पावर प्ले में 70 बना लिया और इसी के साथ कोलकाता की टीम ने 2018 के बाद पहली बार प्लेऑफ में एंट्री पाई। लेकिन गुरु सच मायने में तो मैच तो बेंगलुरु और दिल्ली का चल रहा था, जहां पर 165 का टारगेट चेस कर रही उतरी बेंगलुरु की शुरुआत खराब रही और कैप्टन विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल जल्दी आउट हो गए। लेकिन फिर मोर्चा संभाला किसने? एबी डिविलियर्स ने नहीं, ग्लेन मैक्सवेल ने नहीं। ये लीग इंडियन है तो भैया यहां भी इंडियन ही चमकते हैं। अपना पहला सीजन खेल रहे शिखर भरत ने भारत से बाहर दुबई में गर्दा उड़ा दिया। पहले डिविलियर्स और उसके बाद मैक्सवेल के साथ उनकी पार्टनरशिप में वही हाईलाइट रहे और बेंगलुरु को जीत के बहुत करीब भी ले गए, लेकिन ये मैच एकदम नेल बाइटेड बना हुआ था भाई साहब। हमने तो नाखून चबा चबा के पेट भर लिया और बेंगलुरु को आखिरी गेंद में जीतने के लिए छक्का चाहिए था भैया, सिक्सर। क्रीज पर मौजूद शिखर भरत ने आखिरी गेंद पर एक लंबा छक्का लगाकर बेंगलुरु की जीत और अपने लिए कोहली की झप्पी पक्की कर ली और सामने वाली टीम ने बोला अरे
आखिरी गेंद पे पैसे बर्बाद बेन स्टोक्स। अपने लीग फेज का अंत बेंगलुरु ने तीसरी पोजीशन पर रहकर किया, भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी तरफ मुंबई प्लेऑफ की रेस से भले बाहर हो गई हो, लेकिन उन्होंने 236 का टारगेट तो बचा ही लिया। शुरू से इस मैच में मुंबई की विनिंग प्रोबेबिलिटी 96% थी। मनीष पांडे के रन हैदराबाद की उतनी ही मदद कर पाए जितनी रियलिटी शो में जजेस कंटेस्टेंट की कर पाते। मुंबई ने बुमराह, कुल्टनाइल और जिमी नीसम की बेहतरीन बॉलिंग की वजह से यह मैच 42 रन से जीता और इज्जत के साथ घर रवाना हुए। लेकिन एक ही टाइम पर दो दो चैनल देख रहे थे, एक चैनल से दूसरे चैनल पर शिफ्ट करते करते रिमोट के बटन घिस गए भाई साहब, बैटरी भी खत्म हो गई। अब नई बैटरी डलवाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन पैसे की चिंता नहीं है बाबू भैया, क्योंकि हम तो डेली माई 11 सर्कल ऐप पे कैश जीत रहे हैं और आपको भी मौका मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो और 5 करोड़ के मालिक तो आप बन सकते हो। और हेलो, अभी खत्म नहीं हुआ, पूरा सुनो। डेली चैंपियंस की टीम को हराकर 5 गुना कैश भी जीतोगे, वो अलग। और एकदम झामपड़ चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो करो, डीएम में ये बताओ कि कल चेन्नई और दिल्ली के बीच होने वाले क्वालिफायर 1 में सबसे ज्यादा पॉइंट्स माई 11 सर्कल ऐप में कौन सा प्लेयर बनाएगा। अगर आपका तुक्का गेस सही हुआ तो आप में से एक लकी विनर को हम देंगे 5000 कैश। जी हां, मतलब 5 करोड़ कैश जीतने का मौका तो होता ही है, 5 गुना कैश जीतने का भी मौका होता है और 5000 भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। भाई साहब अब क्या बच्चे की जान लोगे, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया उस पर क्लिक करके डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और इंस्टा पे हमको फॉलो जरूर करना। और याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। Dop, 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 dop.